हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डाटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट थ्री पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है, इसका हम लोग बेसिक जो है वो कवर कर रहे हैं। और अभी जो है टफ लेवल जो है हम लोग इसमें नहीं लेके आए हैं, और धीरे धीरे से जो उसका लेवल है वो बढ़ाया जाएगा। और ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं NTA NET सेट्स या फिर RRB NTPC या फिर ग्रुप डी की, सभी एग्ज़ाम्स में लगभग जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC में भी जो LDC का एग्ज़ाम होता है, CHSL का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम लोग ग्राफ को अच्छी तरह से जानेंगे, क्योंकि देखें अगर आप लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो ग्राफ को अच्छी तरह से जानना होगा, ठीक है ना। 3 से 4 मिनट्स आपको ग्राफ को स्टडी अच्छी तरह से करना है और समझना है, तभी आप जो है क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखें ये जो ग्राफ है इसके अंदर क्या दिखाया गया है, तो देखें इसके अंदर बताया गया है रिजल्ट, ठीक है ना। रिजल्ट को शो किया गया है, स्कूल का रिजल्ट है, और जिसमें ये क्लास दे रखी है 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ब्लैक कलर है वो इंडिकेट कर रहा है बॉयज़ को, और जो वाइट कलर है वो इंडिकेट कर रहा है गर्ल्स को, ठीक है ना। और यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कक्षा जो है पास की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखें मैं दोनों लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द क्लास इन विच द नंबर ऑफ बॉयज़ पासिस इज नियरेस्ट टू एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड पर क्लास इज, यानी वह कौन सी कक्षा है जहाँ के लड़कों की संख्या जो है वो एवरेज है लड़कियों की संख्या की, यानी कि जो लड़कियों की संख्या का जो औसत है वो किस क्लास के लड़कों की संख्या के बराबर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को भी आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो घुमा के दिया जाता है। है इजी क्वेश्चन बहुत, लेकिन जिस तरीके से दिया गया है उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि एवरेज जो है गर्ल्स कितनी हैं पूरे क्लास में। तो हमें पता है एवरेज यानी औसत निकालने का फॉर्मूला, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ही बताया था, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो ये होता है फॉर्मूला जिससे कि आप इजीली जो औसत है वो निकाल सकते हैं, यानी एवरेज जो है वो निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं हम लोग, हमें गर्ल्स का जो है एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गर्ल्स को इंडिकेट किस में किया गया है, तो वाइट कलर में किया गया है। तो 6th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई ये देखें 70 यानी 70 लड़कियाँ जो हैं वो 6th क्लास में हैं, तो हम लिख लेते हैं 70 प्लस। अब 7th क्लास में लड़कियां हैं कुल 100, देख सकते हैं आप 100 लड़कियां हैं, तो 100 हमने इधर लिख दिया। प्लस में 8th क्लास में जो लड़कियां हैं उनकी संख्या है 50, प्लस 9th क्लास में जो लड़कियां हैं आप देख सकते हैं यहां से, तो वो हैं 80 यानी 80 प्लस में, और 10th क्लास में जो लड़कियां हैं वो हैं 90, तो हमने इधर लिख दिया 90। अब नीचे हम लिखते हैं कुल संख्या, तो ये टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5, तो नीचे हमने लिख दिया 5। अब जब आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 390, और फिर इसे हम 5 से भाग दे देंगे यानी डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 5 से 390 को भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 78 यानी 78। तो जो 78 आया है ये हो गया एवरेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना। इन सभी कक्षाओं में जो लड़कियों का एवरेज है यानी औसत जो है वो 78 है। तो क्वेश्चन 78 ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि कौन सी क्लास के लड़कों के संख्याओं के करीब है, तो हमें ये बताना है, नियरेस्ट बताना है हमें। तो हमें पता है कि लड़कों की संख्या 6th क्लास में जो है वो 80 है, तो हमारा लड़कियों का एवरेज कितना है, 78 यानी इसी के करीब है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 6th क्लास, ठीक है ना। 6th क्लास के जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों के
औसत संख्या के बराबर है। तो यही जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत संख्या कितनी है, यानी कि द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज पास्ड पर क्लास इज, तो हमें बताना है। यानी सीधी भाषा में अगर पूछा जाए तो इसमें पूछ रहा है कि लड़कों की संख्याओं का औसत बताएं। तो हमें पता है कि भाई लड़कों का पूछ रहा है। हाँ, तो लड़कों को इंडिकेट किया गया है ब्लैक कलर से, तो हम देख लेते हैं। तो भाई सिक्स क्लास में जो लड़के हैं वो हैं 80, ठीक है ना, 80, बिल्कुल वही फार्मूला होगा एवरेज का जो मैंने पहले बताया। और सेवन्थ क्लास में जो लड़के हैं उनकी संख्या जो है वो दे रखी है यहाँ पे देखें, यानी 40 दे रखी है। ऐसे ही एट्थ क्लास में लड़कों की संख्या दे रखी है 90। टेंथ क्लास में, सॉरी एट्थ में यही हो गई, और सेवन्थ सॉरी सिक्स्थ सेवन्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ का हो गया। अब नाइन्थ का देखना है हमें, तो नाइन्थ में दे रखी है 70, ठीक है ना, और टेंथ में भी दे रखी है 70। आप देख सकते हैं यहाँ का और यहाँ का जो है वो इक्वल है, 70 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, लड़कों की कुल संख्या सभी कक्षाओं में, यानी छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं की, ठीक है ना। अब हमें इन सबको ऐड करेंगे, टोटल संख्या कितनी है, तो 5 है, तो नीचे हम 5 लिख देंगे। इन सभी संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा कुछ 350, और नीचे 5 से हम इसे भाग कर देंगे। तो जब 5 से हम भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, तो आ जाएगा हमारा आंसर 70। यानी 70 जो है वो हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें निकटतम नियरेस्ट वगैरह नहीं पूछ रखा, इसमें सीधा पूछ रहा था कि एवरेज बॉयज़ कितने हैं। तो जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी, तो 70 जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में द क्लास हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट इज, तो हमें बताना है कि वह कौन सी कक्षा है जहाँ पर ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो पास हुए हैं। तो अगर हम लोग सिक्स्थ क्लास में देखें, ठीक है ना, सिक्स्थ में अगर देखें तो गर्ल्स पास हुई हैं, बॉयज़ हुए हैं 80 और गर्ल्स हुई हैं 70, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 80 प्लस 70, तो टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, तो इसमें पास हुए हैं कुल 150 स्टूडेंट सिक्स्थ क्लास में, ठीक है ना। जबकि सेवन्थ क्लास में अगर हम लोग देखें तो सेवन्थ में जो गर्ल्स बॉयज़ जो हैं वो हैं 40, और गर्ल्स जो हैं वो हैं 100, ठीक है। तो हमने इधर लिख दिया 100, तो टोटल हो गया है 140 स्टूडेंट सेवन्थ क्लास में पास हुए हैं। एट्थ क्लास में देखते हैं तो एट्थ में गर्ल्स जो हैं वो हैं 50, ठीक है ना, और बॉयज़ जो हैं वो हैं 90, तो हमने इधर 90 लिख लिया। और फिर उसके बाद जब इसे हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया कुछ 140। वैसे ही नाइन्थ क्लास में अगर हम लोग देखें तो नाइन्थ क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो हैं 80 प्लस 70, तो ये हो गया 150, ठीक है ना। अगर टेंथ क्लास में हम देखें तो टेंथ क्लास में टोटल जो स्टूडेंट हैं 90 प्लस 70, तो ये आ गया 160। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो हुए हैं टेंथ क्लास में, ठीक है ना। तो टेंथ क्लास में 60 स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि टेंथ क्लास ही एक ऐसी क्लास है जहां पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं। और यहां पर अगर कोई कम में पूछता तो 140 होता, लेकिन इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर कम में पूछता तो वो ऐसा कोई डिजिट देता जो 140 से कम होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें अनुपात बताना है। देखिए हमेशा याद रखें कि जब भी आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी टॉपिक देगा तो उसमें एवरेज, परसेंटेज और रेशियो, ये तीन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमेशा दिए जाते हैं। तो रेशियो वाले का जो ट्रिक था वो मैंने आपको बता रखा है, अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरीके से आप रेशियो के क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। जब मैं इसका लेवल इंक्रीज़ करूँगा तो डेसिमल वाले भी लेके आऊँगा मैं, तो डेसिमल वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको काटने में, परसेंटेज वगैरह में, ठीक है ना। तो
उसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आज के लिए अभी देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है, हिंदी में पढ़ता हूँ मैंने, कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। यानी कि इंग्लिश में पढ़ता हूँ, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज पास्ड टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड इन द थ्री क्लासेस 7th, 8th एंड 9th। तो 7th, 8th और 9th इन्हीं तीन क्लास के डाटा को एनालिसिस करके बताना है कि गर्ल्स और बॉयज़ की जो संख्या है वो कितनी है, अनुपात बताना है उसका, हमें रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर ऊपर की साइड हम लिखेंगे लड़कों की संख्या यानी बॉयज़, और नीचे हम लिखेंगे गर्ल्स की संख्या, ठीक है ना। तो बॉयज़ 7th में हैं कितने, तो 40 बॉयज़ हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 40 प्लस में, ठीक है ना, ये 7th में हैं। और 8th में बॉयज़ जो हैं वो हैं 90, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिख दिया 90 प्लस में। अब कह रहा है कि मतलब 9th में भी देख लेते हैं, 9th में जो बॉयज़ हैं वो हैं 70, तो ये तो हो गए टोटल बॉयज़, ठीक है ना। अब गर्ल्स देख लेते हैं, तो गर्ल्स 7th, 8th और 9th में कुछ इस प्रकार हैं, 100 प्लस में 50 प्लस में 80, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये गर्ल्स और बॉयज़ हो गए इन तीनों क्लासेस में। आप जब इन्हें सबको जोड़ेंगे तो कुछ बॉयज़ होंगे टोटल 200 और गर्ल्स जो हैं टोटल वो होंगी 230। तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको आमने सामने जो है वो संख्याओं कैसे रख देना है, और फिर जो संख्या कटती है उसे काट देना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, और 20 और 23 जो है वो किसी संख्या से नहीं कट सकता सिवाय एक के। तो 20 और 23 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 20 और 23 जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप रेशियो वाले क्वेश्चन जो हैं वो इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब इसका थोड़ा लेवल हाई होगा तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, और उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप ऑप्शन को देख के ही सॉल्व कर देंगे। सो ये तो था हमारा वीडियो, इसमें नॉर्मली सिर्फ 4 ही क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे, तो अगला वीडियो मैं भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।